सो लास्ट क्लास में वी हैड कंप्लीटेड टिल और क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए थे. टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 एंड इफ वी हैव टाइम देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. यस लेट्स स्टार्ट विद एक बार थोड़ा सा इजी कर लेते हैं देन वी विल टू सेवन. पहले एट करेंगे सो दैट आपको बेटर समझ आएगा. सो रीड द क्वेश्चन. क्या कह रहे हैं इसमें? प्रवीण वॉन्टेड टू मेक अ टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार. Ramin wanted to make a temporary shelter for by making a box like structure with tarpaulin that covers all the four sides and top of the car. So kya karna hai inhone, Praveen ne kya karna hai, apni jo car hai usko cover karna hai sideon se aur top se, chhat bhi cover karni hai. बॉटम नहीं कवर करता कोई भी कार का, आपने देखा होगा क्योंकि वो नीचे टायर रोड पे कार खड़ी होती है तो वो नीचे से कवर नहीं कभी भी करना होता. हमें 5 साइड्स कवर करनी है तो उसका एरिया निकालना है कि कितना क्लॉथ लग रहा है उसको कवर करने में, तो उतना ही क्लॉथ लगेगा जितनी कार की डायमेंशन होंगी. ओके, मतलब कि कितने आपको बॉक्स की कितनी लेंथ बेस हाइट वो दिया हुआ है कि जो वो बॉक्स बनेगा उसकी हाइट होगी 2.5 मीटर. सो आपके पास एच है 2.5 और ये बेस के डायमेंशन दिया, मतलब बेस क्या होता है, एल भी होता है ना. सो दिस इज एल एंड डी. सो एल दी है 4 एंड बेस दी है 3. एरिया हमने किया था थोड़ा सा आपको रिवाइज हो जाएगा. इफ दिस इज अ क्यूबॉइड ओके, सो हमें टॉप को कवर करना है एंड 4 फेसेस को कवर. ये लेफ्ट राइट बैक वाला एंड फ्रंट. बेस को नहीं करना, आप इसको इमेजिन क्या करो अपने माइंड में सभी पिक्चर्स को. सो 4 फेसेस का कवर, वी ऑल नो द फॉर्मूला. लेटरल सरफेस एरिया 2HL+B एंड साथ में टॉप का एरिया, टॉप का ये होता है आपका एल एंड ये होता है. सो हम इसमें एल 5 फेसेस का एरिया. We have H 2.5. Okay. We have length 4, breadth 3. So L into B 4. 4 plus 3 7. Plus 4 into 3 12. 4 sevens are, sorry, 5 sevens are 35. Plus 12. So 47 centimeters will be the answer. Itna aapka tarpaulin cloth lagega to cover. Okay. Hmm.
नाउ लेट्स डू सेवंथ क्वेश्चन. Everybody look at seventh question. Shanti Sweet Stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. So एक sweet shop है, उन्होंने cardboard boxes बनाने जिनमें मिठाई डालते हैं. दो size के box बनाने. एक छोटा बॉक्स बनाना है, थोड़ा सा बड़ा बनाना है, तो उसको बेच जा कितने उधर से ही चला. So this is the bigger box. Dimensions दी हुई हैं. Bigger की dimension है 25, length है. जब भी ऐसे dimension दी थे ना, मैंने पहले बताया था this is LBH in the form. LBH again LBH. So bigger की dimension है 25 is length centimeter, 20 is breadth and height is 5. Okay. And छोटे वाले की dimension है 15, 12 is breadth and 5 is height. अब 250 box ये बनाने हैं and 250 box ये और कार्डबोर्ड के बनाने हैं, कार्डबोर्ड बॉक्स. सो जस्ट क्वेश्चन ये है कि कार्डबोर्ड की कितनी कॉस्ट लगेगी. तो कॉस्ट तो सेकंड है निकालनी, कॉस्ट कितनी लगेगी. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड कि कार्डबोर्ड कितना लगेगा. कार्डबोर्ड जब पता लगेगा कि कितना लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे इस रेट के हिसाब से. ठीक, कि 4 रुपीज लग रहे हैं 1000 सेंटीमीटर स्क्वेयर के. तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लग रहे हैं 4 by 1000 rupees. सो जितने भी सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आएगा टोटल 250 का, 250 का, उसको इनटू 4 by 1000 करेंगे. क्योंकि 1 सेंटीमीटर कितने लग रहे हैं, तो जितने भी सेंटीमीटर स्क्वायर है इनटू 4 by 1000 करके रुपीस आ जाएंगे, कितने रुपीस लगेंगे. बस एक चीज इन्होंने बोली है, फॉर द ओवरलैप्स, ध्यान देना इस बात पे, फॉर द ओवरलैप्स 5% टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा. अब ओवरलैप्स आप समझते हो, जब भी एक मिठाई का डब्बा होता है, सो एक तो जो ये लेफ्ट राइट फ्रंट बैक होता है, एक तो बेस होता है जिसमें मिठाई पड़ी होती है ना, जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पड़े होगा जो भी. एक जो उसके ऊपर से आता है ढक्कन आता है, जो उसका कवर होता है, ध्यान से सोचो, खुद इमेजिन करो, आप मिठाई का डब्बा देखो, उसके भी साइड्स पे कार्डबोर्ड लगा होता है, और ऑलरेडी जो नीचे बेस है जिसमें मिठाई पड़ी है उसके भी साइडों में कार्डबोर्ड लगा हुआ. तो कार्डबोर्ड जो साइड्स हैं, इधर जो साइड्स हैं, इसका अपना भी है और ऊपर कवर का फिर से आ रहा है, तो साइडों पे जो है कार्डबोर्ड एक्स्ट्रा लग रहा है.
दोनों टाइप के बॉक्सेस में, सो 5% कार्डबोर्ड एक्स्ट्रा लग रहा है, तो हमने तो कॉस्ट निकालनी है, तो जो डबल अगर कार्डबोर्ड लग रहा है उसके भी चार्जेस लगेंगे कार्डबोर्ड के, तो ऑब्वियसली। सो आप क्या करोगे, मैं एक एक आपको स्मॉल वाला करके दिखाता हूँ, और कार्डबोर्ड हर साइड पे लग रहा है, तो टोटल सर्विस एरिया की ही बात करेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास 2lb + bh, ये हम एक बॉक्स का एरिया निकाल रहे हैं, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एक छोटे कार्डबोर्ड का टोटल सर्विस एरिया। अब ऐसे उसमें 5% एक्स्ट्रा लग रहा है, हम पहले एक ही कार्डबोर्ड की बात करते हैं, ये देखो 5% जो एक्स्ट्रा लग रहा है, तो वो भी ऐड होगा ना, 5% उसमें एक्स्ट्रा लगा कार्डबोर्ड, जितना एरिया है 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया, 630 का 5%। दैट इज 3150, दिस इज 31.5 एक्स्ट्रा जो लग रहा है। एक तो 630 सेंटीमीटर का कार्डबोर्ड लग ही रहा है, समझ रहे हो, और ऊपर से 31.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लग रहा है फॉर ईच कार्डबोर्ड। सो टोटल एक बॉक्स पे कितना कार्डबोर्ड लग रहा है, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 31.5 सेंटीमीटर, सो 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में एक्स्ट्रा ओवरलैपिंग के साथ इतना कार्डबोर्ड लग रहा है एक पे। सो 661.5 × 250 अगर हम करते हैं, तो ये छोटे बॉक्सेस पे टोटल 165375 इतना कार्डबोर्ड। सो बिगर बॉक्स के लिए अगेन वी हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूला वही है आपको पता है, लेंथ इज 25, ब्रेथ इज 20, ब्रेथ इज 20, height is 5 into 20,
सिंपल कैलकुलेशन है। फाइव हंड्रेड प्लस हंड्रेड प्लस 125 ये आपका आएगा 6 and 7 25 ये आ जाएगा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर एक बॉक्स का सरफेस एरिया विदाउट ओवरलैप। अब ओवरलैपिंग के 5% हम ऐड करेंगे। पहले 5% कितना है वो लग इसका टोटल सरफेस एरिया का वी विल फाइंड आउट। दिस विल कम आउट डिवाइड करके 72.5 ओवरलैपिंग का कार्डबोर्ड इतना लग रहा है। तो एक बॉक्स पे कितना कार्डबोर्ड लग रहा है विद ओवरलैपिंग दोनों को ऐड करेंगे हम। दिस विल कम आउट टू 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और टोटल हमारे पास बॉक्सेस हैं 250 बड़े वाले भी। सो एक बॉक्स पे इतना कार्डबोर्ड लग रहा है तो 250 बॉक्सेस पे कितना लग रहा है तो इनको मल्टीप्लाई करते हो सर। हाँ वही करें 380625 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बड़े वालों पे इतना कार्डबोर्ड लग रहा है ठीक है छोटे वाले पे इतना लग रहा था। टोटल कार्डबोर्ड सर इनको माइनस करना है ना नहीं जी प्लस करना है। टोटल कार्डबोर्ड कितना लग रहा है ये बताना। टोटल कार्डबोर्ड की कॉस्ट सो टोटल कार्डबोर्ड इज 546 और मैंने आपको बताया था कि हमने हमारा आंसर ये नहीं है कि टोटल कार्डबोर्ड हमारा आंसर है कि कितनी कॉस्ट हमारी लगेगी कार्डबोर्ड की। अब हमें पता लग रहा है इतना कार्डबोर्ड हमारा लग रहा है और वो कह रहे हैं कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के 4 रुपीज़ हैं। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लग रहे हैं 4 रुपीज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लगेंगे 4/1000। 1 सेंटीमीटर के इतने लग रहे हैं तो हमारे जितना भी टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर कितना था 4546 इसके लगेंगे 4/1000 × 546 सो द आंसर विल बी इसको सॉल्व करके इनको मल्टीप्लाई करते हैं ₹2184 इतने रुपीस लगेंगे कार्डबोर्ड के। आपकी जो कार्डबोर्ड की कॉस्ट आएगी वो 2184 रुपीस है। ओके एनी डाउट समझ आ गया सबको। यस सर ओके यस सर आपने इस टाइप की शेप बहुत बार देखी होगी अपने डे टू डे लाइफ में जैसे कि आपके ग्लास होते हैं या घर में कोई आपकी बॉटल होती है ट्यूब होती है आपकी टेस्ट ट्यूब्स या मतलब पाइप्स होती हैं। ओके सो दिस इज अ सिलेंड्रिकल शेप। इसमें क्या होता है बच्चों देखो टॉप मैं शेड कर रहा हूँ टॉप पे ये वाला पोर्शन दीज बोथ आर सर्कल्स ये सर्कल होते हैं टॉप एंड बॉटम
अगर कोई फिगर सर्कुलर है तो ऑब्वियसली उसका एक रेडियस होगा, सर्कल है तो सेंटर और रेडियस होगा। सो दिस इज द रेडियस, जितना सर्कल एग्जैक्ट सर्कल ऊपर होता है ऊपर नीचे तो दोनों के रेडियस सेम होते हैं। देन जो ये सिलेंडर की इस लेंथ होती है इसको हम डिनोट करते हैं बाय h, height बोलते हैं इसको। अब इसमें भी क्यूबॉइड और क्यूब की तरह दो तरह के एरिया की बात करेंगे हम, एक लेटरल सरफेस एरिया जिसको इधर हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोल सकते हैं, कर्व्ड बिकॉज ये कर्व्ड होता है ना, कर्व्ड शेप है। अब आप इसको एज अ रेक्टेंगल मत इमेजिन करो, ये जो चीज़ है ना, ये जो शेप है इसको रेक्टेंगल मत समझो, ये कर्व्ड है। आप जैसे एक ग्लास होता है पूरा ऐसे ऐसा, ये 3D शेप है, जैसे ये गोल शेप है तभी ऊपर सर्कल है और नीचे भी सर्कल है, समझ रहे हो, ये कर्व्ड सारा घूम रहा है, ये गोल है। सो इसलिए जो कर्व्ड सरफेस एरिया हम बात बोलेंगे यहाँ पे, कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है दैट इज एक्सक्लूसिव ऑफ टॉप एंड बॉटम। हम सिर्फ ये इस सरफेस की बात कर रहे हैं जो आउटर सरफेस एरिया है कर्व्ड पार्ट का। इसका फॉर्मूला होता है 2πRh, मतलब कि इसकी सर्कमफ्रेंस जो सर्कल की है मल्टीप्लाई बाय हाइट कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इनटू हाइट। और अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया में ऊपर का सर्कल का भी एरिया, नीचे का सर्कल का एरिया भी और कर्व्ड पार्ट का एरिया भी, तीनों चीजें इंक्लूडेड, फिर वो पूरा जैसे अगर कोई सिलेंडर बंद है आपके पास, कोई सिलेंड्रिकल शेप बंद है तो उसका पूरा टोटल सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया जहां जहां आप टच, हमेशा सरफेस एरिया मैंने आपको बताया था क्या होता है, वेयर यू कैन रीच दैट फिगर, जहां आप टच कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, कलर कर सकते हो, उसको कवर कर सकते हो, पॉलिश कर सकते हो, जो भी आउटर बॉर्ड सारे सरफेस पे। सो अगर एक बंद है आपके पास सिलेंडर तो उसकी टॉप भी हम कवर कलर कर सकते हैं, नीचे को भी कवर कर सकते हैं, कर्व पार्ट जो सारा जैसे है उसको भी कवर कर सकते हैं। सो टोटल सरफेस एरिया में आ जाएगा एक तो आपका कर्व पार्ट का एरिया जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं दैट इज 2πRh, प्लस ऊपर के सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, प्लस नीचे का सर्कल। आपको फॉर्मूलाज पूरी डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, अब वो बोलेंगे ग्लास है, ग्लास को पेंट करना है, अब ग्लास ऑब्वियसली ऊपर से खुला ही होगा तभी तो उसमें आप पानी डालोगे या कुछ भी डालोगे, नीचे से तो बंद होगा नहीं तो नीचे से निकल जाएगा सारा कुछ भी डालोगे। सो उस केस में आपको एक पाई आर स्क्वायर नहीं ऐड करना, बस उसमें फिर लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर, जस्ट वन सर्कल ऐड करना। इन केस वो बोलेंगे कि ऊपर से वो ओपन है, सो यू हैव टू यूज कॉमन सेंस एट दैट टाइम। और हाँ, मैं ये बता रहा था आपको,
टोटल सब सीरीज का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर दोबारा है तो 2 पाई, इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, इधर आ जाएगा h और इधर r दो उधर इधर, सो दिस इज टोटल सरफेस एरिया फार्मूला ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो यही बेसिक